गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, आज हिंदी का पीरियड है ना। हम लोग रिपीट कर रहे हैं, आज से हम लोग नया लेसन करेंगे। आज है बच्चों 7th, है ना, 7 तारीख है, 7 अगस्त 2020। और क्या है, मैं और हॉकी, लेसन 11। क्या है मैं और हॉकी? हॉकी क्या है बच्चों? खेल होता है ना, जैसे बैट बॉल, क्रिकेट, वैसे एक हॉकी का भी खेल है ना, जिसमें आपने काफ़ी देखा होगा कि एक छोटी सी बॉल होती है और एक लंबा सा डंडा, और हॉकी जिसको जो लकड़ी की स्टिक होती है, जैसे बैट और क्रिकेट में बैट कहते हैं, तो उसमें हॉकी में उस लकड़ी को जिससे मारते हैं बॉल, उसको हॉकी कहते हैं। अब इसमें देखें क्या है, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है बच्चों। क्या है? राष्ट्र खेल। इस खेल के की ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत प्रायः विजयी होता आया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा प्राप्त हॉकी खिलाड़ी कुमार दिग्विजय सिंह बाबू ने हेलसिंग या फिनलैंड में हुए हॉकी मैच का संस्मरणात्मक परिचय दिया है, मतलब स्मरण याद की हुई जो स्टोरी है उसका बताया है। क्या है आप बता रहे हैं? देखो, बहुत से लोगों का ऐसा विचार है कि खेल कूद में समय नष्ट होता है और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम कर लिया जाए यही काफ़ी है। यह ठीक नहीं है। खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य कुछ ऐसे गुण भी सीखता है जिसका जीवन में विशेष महत्व होता है, जो व्यायाम से नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे खेल कूदने में क्या है, दौड़ने भागने में कोई मतलब नहीं है, और इससे अच्छा उसका समय पढ़ाई में लगा लें। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बताया जा रहा है कि जब इंसान खेलता कूदता है तो उसका हेल्थ तो अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसे गुण, ये देखो, यानी कि साथ साथ मनुष्य कुछ ऐसे गुण सीखता है, समझ में आ रहा बच्चों? जैसे घमंड ना करना, है ना, घमंड ना करना, मतलब जब खेल रहे हैं तो किसी को कोई घमंड नहीं होना चाहिए, है ना। और जब सब मिल के एक साथ करते हैं तो एक दूसरे की केयर करते हैं, किसी को चोट लग जाती है दौड़ते दौड़ते में तो दूसरा इंसान आके उठा लेता है ना। कभी हमने ज़्यादा अच्छा खेला तो हमने सोचा कि अरे मैं सबसे ज़्यादा अच्छा खेल रहा हूँ, लेकिन दूसरे ही टाइम बाद किसी दूसरे ने अच्छा खेल लिया, तो वो घमंड ना करना, हारने में साहस ना छोड़ना। मतलब हार जाते हैं तो एकदम से सोचते हैं अरे बाप रे अब तो सब खत्म हो गया, तो ये चीज़ नहीं है, साहस नहीं। दूसरे से चोट लग जाए तो उसे सह लेना। अगर बाय द वे खेल में किसी से चोट लग जाती है, वो कह देता है सॉरी, दौड़ रहे हैं सारे बच्चे, तुम लोग भी दौड़ते रहते हो, गिर जाते हो अपनी फ्रेंड के धक्के, तो पहले तो गुस्सा होता है कि तुमने मुझे गिरा दिया, लेकिन उसके बाद कहते हैं अरे कोई बात नहीं है, हो जाता है ना, तो वही सहन है ना। तो पहला है घमंड ना करना, दूसरा क्या है, साहस ना छोड़ना, और तीसरा है सहन करना, विशेष ध्येय के नियम पूर्वक कार्य करना, और क्या है, नियम से चलना। नियम विशेष ध्येय क्या है, नियम पूर्वक कार्य करना। क्या है बच्चों? पहला है घमंड ना करना, साहस ना छोड़ना, सहन करना, और नियम पूर्वक कार्य करना। नियम मतलब जैसे जो खेल होगा उसके नियम तो आपको मानने ही मानने हैं, है ना। अगर आप कोई भी गेम खेलेंगे तो उसके नियम होते हैं, उसको आपको मानना, तभी आप जीत सकते हैं, या आपकी टीम, या आप जीत सकते हैं, या आप हारेंगे। हार के बाद भी यह प्रयास रहता है कि हारी बाजी जीत लेता है, कभी कभी हार भी जाता है। जैसे कोई भी रेस हो रही है तो पहली रेस में क्या होता है, हार भी गए, लेकिन दूसरी बार में और भी तेज़ दौड़कर इंसान जीत सकता है, तो हारी बाजी भी जीत सकते हैं। दृढ़ संकल्प मतलब पक्का इरादा, है ना, दृढ़ संकल्प मतलब पक्का इरादा के द्वारा अपने देश की सेवा का मेरा स्वप्न उस दिन पूरा हुआ जिस दिन मैं हेलसिंग फिनलैंड के मैदान में अपनी हॉकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में
जिता सका। अब ये जो हैं कौन हैं, कुंवर दिग्विजय सिंह जो बाबू कहलाते हैं, ये क्या है, इन ये अपनी बात बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि बड़े दृढ़ संकल्प के द्वारा मैंने सोचा कि मैं अपने देश का, क्योंकि खेल से बच्चों आप 10 लोगों के 10 राष्ट्र के लोग खेल रहे हैं, और अगर आप हिंदुस्तान जीतता है, जैसे बहुत सारे गेम्स होते हैं आजकल तो टीवी पे बहुत कुछ दिखाते हैं, तो अपने को बहुत अच्छा लगता है, अरे हमारी इंडिया जीती। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, दृढ़ संकल्प के द्वारा अपने देश की सेवा, मतलब अपने देश को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में जिताया। उस दिन के जनगणमन का मधुर वादन आज कई वर्षों के पश्चात भी मेरे कानों में गूंज रहा है। बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा ओलंपिक्स है और कॉमनवेल्थ वाले जो गेम्स होते हैं, तो जिसमें जब कभी जो भी टीम फर्स्ट आती है तो उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड पे खड़ा किया जाता है, और जब खड़ा करते हैं तो जो फर्स्ट आता है उसी का देश का एंथम, मतलब उसी का राष्ट्रगान बजता है। तो उसके वजह से जब राष्ट्रगान बजता है, अगर मेरी वजह से राष्ट्रगान बजे और राष्ट्र सम्मान मुझे मिले तो कितने खुशी की बात होगी। इसी तरह से जब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में क्या किया, अपना योगदान दिया और जिताया, तो वो फर्स्ट मतलब वो जीत गए, और उसके पश्चात क्या किया उनके लिए, वो हिंदुस्तान के थे तो जनगणमन राष्ट्रगीत गाया गया, तो वो खुशी वो आज तक अनुभव करते हैं। आगे देखें, यूँ तो खेल मेरे सारे कुटुंब को प्रिय, कुटुंब मतलब परिवार को, खेल जो है मेरे सारा परिवार खेलता है, परंतु यह कहना भी अवश्य है कि मेरे पिता स्वर्गीय राय बहादुर रघुनाथ सिंह खेल में विशेष रुचि रखते थे, मतलब पूरा फैमिली खेलता है मेरा, लेकिन जो मेरे पापा थे, मेरे पिता थे, कौन बहादुर क्या है, स्वर्गीय राय बहादुर रघुनाथ सिंह विशेष रुचि लेते थे, मतलब एक इंटरेस्ट लेते थे। मेरे पास बहुत सी तस्वीरों के साथ एक तस्वीर 2.5 साल की उम्र की है, जिसमें मैं हॉकी और बॉल लिए बैठा हूँ, और क्या है वो रुचि रखते थे। और मेरे पास बहुत सी तस्वीरें, पुरानी तस्वीरों में तो पहले तो वीडियो नहीं बनता था बच्चों, पहले हर चीज़ की फ़ोटोग्राफ्स खींची जाती थी, और कहाँ स्टूडियो में जाके इंसान खिंचाता था या स्टूडियो वालों को घर में बुला के खिंचवाता था। तो वो अपनी वो 2.5 साल के थे, तो उन्होंने देखा कि उस 2.5 साल के में उनके पापा ने ला के दिया होगा गेम, जैसे छोटे छोटे बच्चों को ला के देते ना माँ बाप खेल का सामान, इसी तरह से उनके पिताजी ने भी ला के दिया होगा। उसमें उन्होंने क्या देखा, जिसमें मैं हॉकी और बॉल लिए बैठा हूँ। मेरे खेल का आरंभ बाराबंकी में हुआ था। ये बाराबंकी कहाँ है पता है, ये उत्तर प्रदेश में है, बाराबंकी लखनऊ के पास। मेरे बड़ों का कहना है कि कमाई का काफ़ी पैसा मेरे घर के मोटर खाने का फाटक बनाने में खर्च हुआ था, मतलब जब मेरे बड़े मुझे बताते हैं कि कमाई का काफ़ी जो पहले जो कोई भी चीज़ बनवाने में पैसा बहुत ज़्यादा लगता था, तो मोटर खाने मतलब गैराज, घर में मोटर जिसमें रखते हैं गैराज बोलते हैं ना, उसका फाटक बनाने में खर्च हुआ था, क्योंकि वह हर महीने मेरी हॉकी की गेंद से टूटता था, घर में खेलता था और गेंद से क्या होता था, हमेशा फाटक गैराज का फाटक टूट जाता था। कुछ ऐसी ही कहानी लखनऊ के कान्य कुब्ज कॉलेज के छात्रावास की दीवारों में भी कहती हैं, मतलब जो कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ पे भी मैं हॉकी खेलता था, और शायद शीशे विशे तोड़ते होंगे या कुछ कुछ टूट जाता होगा। मुझे यह आज तक ठीक से याद है, जब मैं बाराबंकी से लखनऊ पढ़ने आया, क्योंकि बाराबंकी बहुत छोटी सी जगह है बच्चों, मेरे सामान से अधिक मेरी हॉकी स्टिक की महानता थी। जब मैं सामान लेके गया तो हॉकी स्टिक भी लेके गया, अपने कॉलेज की टीम में खेलने का मुझे उसी साल सौभाग्य प्राप्त हुआ, मतलब उसी साल मैंने अपनी टीम को खेला बच्चों। अच्छा ये ऐसा है, इसको मैं पढ़ रही हूँ तो कोई बात नहीं है, इसमें मैंने कुछ
हार्ड वर्ड्स तुम लोग देखते चलना, ओलंपिक है ना, इसको लिखना प्रतियोगिता, एक एक शब्द को दो दो तीन तीन बार, प्रतिष्ठा इसको लगा लेते हैं हम लोग है ना साथ साथ, विशेष नियम पूर्वक, और भी जो तुम्हें अगर दृढ़ संकल्प है ना, कुटुंब परिवार शब्द छात्रावास हॉस्टल, छात्रावास हॉस्टल ठीक है, महात्मा ठीक है, इसका वर्ड मीनिंग नहीं, इसका हार्ड वर्ड्स जो है इसको लिखना। अभी हम और पढ़ते हैं, ये देखो सन 1936 में मैं दिल्ली मतलब दिल्ली के एक टूर्नामेंट में खेलने गया, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी मोहम्मद हुसैन फुल बैक खेल रहे थे। उस दिन खेल पर मुझे एक सुंदर उपहार मिला है ना, और ने मेरा साहस और प्यास बढ़ता गया। मतलब 1936 में मैं दिल्ली गया खेलने जाते, हम लोग के स्कूल के भी बच्चे जाते हैं ना बाहर, सिल्विया मैम लेके जाती है ना बैडमिंटन और गेम्स में, इसी तरह से ये भी अपने कॉलेज की तरफ से खेलने गए होंगे, दिल्ली गए और वहाँ वो जीते होंगे, तभी उनको उपहार मिला और वो बहुत उत्साहित हुए, खुश हुए और आगे बढ़ते गए। मेरी सदैव इच्छा होती थी मैं किसी प्रकार किस प्रकार खेलूं जिससे इस खेल के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच जाऊं। मतलब मैं सबसे ऊपर मतलब बेस्ट खेलना चाहता था, उच्च स्तर पर पहुंच जाऊं। 1936 में मुझको अपने प्रदेश की ओर से खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हार्ड वर्ड हैं उसको आप पढ़िएगा और इसको आगे देखिएगा, ठीक है। अच्छा ये हम लोग देखें, यहाँ पे क्वेश्चन एक है, पार्ट में खेल कूद के क्या क्या लाभ बताए गए हैं। मैंने तुम्हें बताया ना, अभी हमने इसी में देखना, इस क्वेश्चन का आंसर को लिखना। ये देखो क्या, खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य कुछ ऐसे गुण भी सीखता है जिसका जीवन में विशेष महत्व होता है, जो व्यायाम से नहीं प्राप्त हो सकते, जैसे घमंड ना करना, हारने में साहस ना छोड़ना है ना, दूसरे से चोट लगने पर उसे सहन करना, विशेष ध्येय के लिए नियम पूर्वक कार्य करना है ना, कार्य करना आदि है। ये क्या है, सफलता ना पाने पर साहस छोड़कर बैठ जाते हैं, दोबारा प्रयास नहीं करते, लेकिन खेलने वाला जो होता है हारने के बाद भी प्रयास करता है और हारी बाजी को भी जीत लेता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इसमें से लिखिएगा, अगर नहीं लिख पाते हो तो मैं लिखवा दूँगी, लेकिन लिखने की आप कोशिश करिएगा है ना। पहला एक क्वेश्चन और हार्ड वर्ड बच्चों, एक बार और अच्छे से देख लो इसको, एक बार और अच्छे से देख लो बच्चों है ना, पढ़ लेना इसको अपने, इसको देख लो, यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ाया, यहाँ तक पढ़ाया, सौभाग्य प्राप्त हुआ ना ये पैराग्राफ। और मैंने तुम्हें बताया एक ये हार्ड वर्ड्स हैं, और भी जो तुम्हें अपने लगे कि ये हार्ड है और मैं सीखना चाहती हूँ तो इसको एक एक वर्ड को तीन तीन बार लिखना, ठीक है बच्चों। ओके थैंक यू बच्चों।